आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का वीडियो शेयर करते वक्त। आप में से बहुत लोग मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि मैम अपना होम टूर कराइए, अपने घर का फुल वीडियो डालिए। तो लीजिए, आज मैं हाजिर हूँ अपने पूरे घर के टूर का वीडियो लेकर के। तो आपको मैं एक एक करके अपना लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, पैसेज सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए बिना किसी देरी के मैं कराती हूँ आपको मेरा होम टूर। वेलकम टू माई होम। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरे घर का एंट्रेंस। यहाँ पर मैंने ग्रास मैट लगाया हुआ है पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, और यहाँ पर ये छोटे मिनी फ्लावर्स लगाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने डोर को किस तरीके से डेकोरेट किया है तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जा करके इस होम एंट्रेंस के मेकओवर का वीडियो देख सकते हैं। अब आइए अंदर। डोर ओपन करते ही मेरा लिविंग रूम स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं लिविंग रूम के साइज का, तो ये मीडियम साइज का लिविंग रूम है मेरा, 12x18 इसका साइज है। और हाल ही में नहीं मतलब दीपावली पे ही मैंने इसका मेकओवर किया है, उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस पूरे लिविंग रूम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सिटिंग एरिया और सामने का इधर का जो एरिया है वहाँ पर हमने एक ऑफिस सेटअप किया है। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं इस शू रैक से। दरवाज़ा खुलते ही हमारा यहाँ पर एक शू रैक है, और शू रैक को किस तरीके से अरेंज किया है ये भी मैंने दिखाया है, वो आप वीडियो में ही देखिएगा। उसके बगल में मैंने एक यहाँ पर एरिका प्लांट लगाया है। पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ वरना मच्छर आ जाएंगे। हाँ, तो शू रैक है, शू रैक के बगल में ही मेरा ये 3-सीटर सोफ़ा है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरी चॉइस को आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। और ये 3-सीटर है, इसके साथ मैंने 2 कूफी लिया था, क्योंकि कमरे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है इसलिए मैंने 5-सीटर के जगह पे 3-सीटर सोफ़ा लिया है। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत वॉल पीस हाल ही में लगाया है मैंने, पीहू के बर्थडे पर उसका गिफ्ट है ये। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसके पहले यहाँ पर एक गोल्डन मिरर का सेट था, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अभी मैंने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है। और ये वॉल पीस मैंने लगाया है, आपको मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। आई होप आपको ये वॉल पीस पसंद आया होगा। सोफा हो गया, वॉल पीस हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटे छोटे शेल्फ। ये दोनों शेल्फ पहले मेरे बेडरूम में थे, और अभी आपने देखा होगा कि मेरा लास्ट वीडियो बेडरूम मेकओवर का था, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ की वहाँ शिफ्ट की हैं और वहाँ की यहाँ शिफ्ट की है। तो ये शेल्फ पहले वहाँ था, इसको मैंने अब यहाँ पर लगाया है। इसके नीचे है हमारा ये प्लांट। मेरे घर में आपको बहुत प्लांट मिलने वाले हैं, इंडोर प्लांट, मुझे प्लांट बहुत पसंद है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा सेंटर टेबल, के अंदर कुछ कलरफुल पेबल्स लगे हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है अंदर। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्राउन कारपेट लगा रखा है, उसके ऊपर मैंने ये टेबल रखा है। और इसकी साइज इस कमरे के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। अब दिखाती हूँ मैं आपको ये एरिया। तो यहाँ पर ये एक वुडन शेल्फ है हमारा प्यारा सा, जिसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लगा रखी हैं, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। और इस वॉल के बारे में बताती हूँ, इस वॉल को हमने 2 कलर में किया था, मेटैलिक ग्रे और वाइट। अभी मेरे घर में ज़्यादातर आपको वाइट और ग्रे का ही कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वॉल का। ये रहा हमारा 2 पुफी, एक और प्लांट। जो एस शेप का टेबल है ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, और ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, और अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर बहुत सी चीज़ों से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैंने लिया था होम सेंटर से, ये बहुत ही खूबसूरत सा हैंगिंग एक शो पीस है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये रहा पीहू का एक और गिफ्ट। तो ये था हमारे हॉल का सिटिंग एरिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ऑफिस सेटअप, जो कि मैंने रिसेंटली किया है, क्योंकि कोविड की वजह से हस्बैंड भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बेटी भी ऑनलाइन क्लास करती है, तो वो है सामने।
ये हमारा वैसे तो डाइनिंग एरिया है, लेकिन हमने डाइनिंग टेबल रखा नहीं है क्योंकि आपको रूम का साइज दिख ही रहा है कि डाइनिंग टेबल का स्कोप नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक प्यारा सा ऑफिस सेटअप किया है और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारा एक पिन बोर्ड है जिसपे मेरे हस्बैंड अपने सारी चीज़ें लिखते हैं, टाइम टेबल की, उनका क्या कल उनको कौन सा काम करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें। और एक प्यारा सा ये कोटेशन वाला फ्रेम, ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है। ये है मेरी फेवरेट वॉल। तो इस वॉल को हमने काफ़ी सिंपल रखा है और इसको सिर्फ हमने अपने फ़ोटो से ही डेकोरेट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिविंग रूम से अटैच बालकनी। आई, ये है हमारी बालकनी। वैसे इस फ्लैट में हर कमरे के साथ बालकनी अटैच्ड है, लेकिन मैंने डेकोरेट सिर्फ इसी बालकनी को किया है क्योंकि ये हमारे लिविंग रूम से अटैच है, बाकी बालकनी में मैं कपड़े सुखाती हूँ। ये रहे हमारे कुछ प्लांट्स। ये मैंने यहाँ छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया है, सुबह शाम हम यहाँ बैठ करके चाय लेते हैं। तो ये मैंने एक वर्टिकल गार्डन बनाया है और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे सनराइज होता है तो सूरज की थोड़ी सी किरणें यहीं पे आती हैं हाफ बालकनी में, तो मैं सारे प्लांट्स को यहाँ रखती हूँ वन बाय वन धूप दिखाने के लिए। और ऊपर मेरे कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी बालकनी? चलिए, बालकनी हो गया, मैं अब आपको बाकी का कमरा दिखाती हूँ। पहले इसको बंद कर देते हैं। आई, लिविंग रूम से ही डायरेक्ट हमारा पैसेज स्टार्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मेरे घर के बारे में कि पैसेज से ही लगा हुआ लेफ्ट साइड में किचन है, एक कॉमन वॉशरूम है, राइट हैंड साइड में मेरी बेटी का कमरा है और सामने मास्टर बेडरूम है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पैसेज, आ जाइए। वॉल पर मैंने ग्रास मैट लगाया है अच्छे से और दोनों साइड में मैंने ये छोटे छोटे शेल्फ लगाए हैं डेकोरेशन के लिए। काफ़ी चीज़ें मेरे घर में आपको मेरे हाथ की बनी हुई दिखने वाली हैं, जैसे कि ये तोरण मैंने खुद से बनाया है, ये ट्राइबल फेस जो आपको दिख रहा है ये भी मैंने खुद से बनाया है कार्डबोर्ड से, ये जूट का एक वॉल आर्ट जो आपको दिख रहा है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो ये था मेरा पैसेज। यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन है जिसमें अभी कपड़े धुल रहे हैं। और ये मैं दिखाती हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, इसके अंदर हम रखते हैं अपने सारे पॉलिथीन बैग वगैरह, ये बहुत ही अच्छा है और जब भी कहीं जाना हो आप एक बैग यहाँ से निकाल लीजिए। अब इस वॉल की बात करते हैं, तो इस वॉल पर हमने लगाए हैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स। अब हम चलेंगे मेरे किचन में, तो सबसे पहले मैं किचन का बोर्ड दिखाऊंगी आपको और ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। किचन में एंट्री करते ही आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा वॉल। किचन के मेकओवर के समय ही मैंने ये सारा डिज़ाइन किया था, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने खुद अपने हाथों से पेंट किया है। और एक छोटा सा मैंने टी स्टेशन बनाया है जहाँ पर मेरी चाय की सारी चीज़ें रहती हैं, एकदम कड़क चाय हम पीते हैं। और ये है हमारा गैस का एरिया। हाँ, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, मेरे हर किचन के वीडियो में आप लोग लिखते हैं कि मैम आपने गैस चूल्हा यहाँ क्यों रखा है, इसको आप उधर रखिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा गैस का पाइप का जो कनेक्शन है वो यहीं पर है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है रोटी वगैरह बनाने में कि मैं रोटी उधर बेलती हूँ और इधर सीखती हूँ, लेकिन अभी चॉइस नहीं है हमारे पास, तो गैस चूल्हा मेरा यहीं पर ऑप्शन हमारे पास रखने का है क्योंकि गैस का कनेक्शन यहीं पर है। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसके ऊपर मैं अपने डेली के मसाले वगैरह रखती हूँ किचन में यूज़ होने वाले। ये हमारा काफ़ी पुराना कई सालों का चूल्हा। उसके बगल में ये ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर मैं रखती हूँ अपने नाइफ, सीजर्स, लाइटर्स वगैरह। इसके नीचे कर्टन है। कर्टन मैंने कैसे लगाया है मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत लोग पूछते रहते हैं। ये एक कर्टन वायर आता है, इसके अंदर ही मैंने कर्टन लगाया है, यहाँ पर दूसरे छोर पर यहाँ पे नेल्स लगा करके। यहाँ पर मैं अपने सारे बड़े डिब्बे रखती हूँ जिसके अंदर मेरा राइस है, चीनी है, आटा है, ये सारी चीज़ें मेरी इस साइड रहती हैं। और वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अंदर आलू, प्याज, लहसुन वगैरह सब इसके अंदर रहता है। ये एक स्टील का रैक है जिसके ऊपर मेरे सारे नमक, सूजी, गुड़, राजमा, मसाले, सारे वो चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ वाली मैं यहाँ पर रखती हूँ, पल्सेस वगैरह। इसके ऊपर मैंने बनाया है एक छोटा सा कॉफ़ी स्टैंड, कॉफ़ी मग स्टैंड,
ये एक DIY स्टैंड है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और मेरे जस्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है ये घड़ी नहीं है, ये एक खराब घड़ी थी जिसका मैंने DIY किया हुआ है। ये एक टूटा हुआ सूप था प्लास्टिक का, उसके ऊपर मैंने माई रसोई करके पेंट किया है। मैंने रखे हैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर मेरे बर्तन धुलने के सारे सामान हैं। यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पर ये बड़े छन्नी और ये चिमटे वगैरह मैं रखती हूँ। यहाँ पर हमारा फिल्टर है। यहाँ पर एक छोटा सा हमने ग्लास स्टैंड लगाया, ये मेरे किचन के दोनों साइड में है, उधर भी है और इधर भी है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा मटका, क्योंकि हम सिर्फ मटके का पानी पीते हैं, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ मेरे डस्टबिन। यहाँ पर सूखा और गीला कचरा अलग रखा जाता है। और मेरे बाकी के जो भी बर्तन हैं वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखे। यहाँ पर है हमारा फ्रिज जिसके, और मेरे किचन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये मेरा स्पीकर। मैं दिन भर गाने सुनती हूँ अपने किचन में और खाना बनाती हूँ। नो गाना नो खाना। एक चीज़ तो दिखाई नहीं मैंने आपको, मेरे किचन में भी बालकनी है, टर्न करिए तो मेरे किचन में भी बालकनी है और यहाँ लाइट नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं अपने, यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने, ये देखिए कुछ प्लांट्स हैं। और ये पोछा वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ सूखने के लिए, और यहाँ से आपको अच्छे नज़ारे दिखेंगे। ये है मैं हमारा कॉमन वॉशरूम, इसको क्या दिखाना। अब चलिए चलते हैं पीहू के कमरे में जिसका रिसेंटली हमने मेकओवर किया है और आप लोगों को बहुत पसंद आया। स्पेशली पीहू के हाथ की ये जो डोर डेकोरेशन था, आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, पीहू के स्केचेस और ड्राइंग को। तो चलिए आ जाइए दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए मेन अट्रैक्शन इस कमरे का जो कि ये डोर है। ये सारी चीज़ें पीहू ने अपने हाथों से बनाई है, उसे आर्ट का, स्केचिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक है। ये है पीहू का कमरा। यहाँ पर मैंने ये एक मैक्रम शेल्फ लगा रखा है और ये है पीहू। ये सारे स्टिकर वगैरह हमने लगाए थे, वॉल स्टिकर, और ये बादल, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, लिंक मैं दे दूँगी। हाँ, और जिस पर मैं खड़ी हूँ ये एक मैट्रेस है। अभी इस कमरे में हमने बेड नहीं लिया है। पीहू को आइडिया था कि मम्मा कुछ दिन मुझे ऐसे ही मैट्रेस पे ही सोना है, तो हमने अभी ये रखा है। अभी एक दो महीने बाद हम पीहू के लिए एक बेड ले लेंगे। ये एक बहुत ही पुरानी लोहे की अलमारी है जिसके अंदर मेरे कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, और ये एक वॉल है दूसरी। तो इस कमरे में भी बालकनी है जहाँ पर सूखते हैं हमारे सारे कपड़े। और यहाँ से पूरा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। रात के समय आपको जैसे लगता है कि सारे तारे ज़मीन पर आ गए हैं। इस बालकनी को मैंने डेकोरेट नहीं किया क्योंकि अगर सारी बालकनी डेकोरेट कर दूंगी तो कपड़े कहाँ सुखाऊंगी। अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे मास्टर बेडरूम में, आ जाइए। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो शुरुआत करती हूँ मैं पहले इस साइड से। यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग टेबल है और यहीं पर मैं हमारा टीवी यूनिट भी है, क्योंकि हम मस्त बिस्तर पे लेट के टीवी देखते हैं, हमने लिविंग रूम में टीवी नहीं रखा है। टीवी का सारा सेटअप यही है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, वो इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेकओवर कैसे हुआ है वो आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। इसका पूरे मेकओवर का वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थी हमारे टीवी यूनिट की बात। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बेड। तो ये रहा मेरा बिग साइज का बेड है, ये किंग साइज का बेड है। और ये अभी हमने रिसेंटली इसको किया है। यहाँ पर मैंने कर्टन लगाए हैं और कुछ फ्लावर्स लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। हो सकता है कि आपको वीडियो में ये बहुत भरा दिखे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बहुत ही काम और शांति दिखती है कमरे में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर, आपने देखा होगा, वाइट टच रखा है अपने कमरे में। वॉल भी वाइट है। यहाँ की आपको मैं शेल्फ दिखा देती हूँ, ये शेल्फ भी पूरा हमारा वाइट है और ये वॉल भी हमने खुद पेंट किया है। आपने देखा होगा, अगर जो मुझे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो ये वॉल पीस पहले लिविंग रूम में था जिसे मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, और ये सारी चीज़ें अभी ताज़ा ताज़ा यहाँ पे प्लेस हुई हैं। तो इस बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम है ये। हमारे घर में दो बाथरूम, एक मैंने आपको दिखाया था पैसेज में, और ये है हमारा बाथरूम, और इसका भी मेकओवर मैंने किया। इसको मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको, आ जाइए।
बाथरूम का साइज बहुत ही छोटा है, ज़्यादा स्कोप नहीं था करने के लिए कुछ भी, बट फिर भी मैंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किया है। ये जो आपको दिख रहा होगा वॉल पे, ये एक वॉलपेपर है और ये वाटरप्रूफ है। इस साइड में मैंने वॉश बेसिन के ऊपर ये दो वॉल शेल्फ लगाए थे। यहाँ हमारा छोटा सा मिरर है। तो ये था मेरा मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम से भी लगा हुआ एक बालकनी है, इसे भी मैंने डेकोरेट नहीं किया है। यहाँ पर भी हम कपड़े ही सुखाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ कपड़े सूख भी रहे हैं, इस वजह से भी हमने इसका कोई मेकओवर नहीं किया है और यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। तो ये था मेरे छोटे से घर का टूर। आई होप आपको पूरा घर बहुत पसंद आया होगा। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी इसी तरीके से रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर अपना ही घर है लेकिन फर्निश्ड नहीं है, तो कुछ आपको आइडियाज़ मिल गए होंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स और क्या क्या सेटअप करके आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किया है, उसको डेकोरेट किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे घर की सजावट पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा कमरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्या क्या चीज़ें हैं जो देख करके आपको भी लगता है कि आपको भी ऐसा अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।